प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लर्नरज बोहा ते तुहाडा स्वागत है। प्लस वन दी कंपलैक्स नंबर दी मैं ये आखिरी वीडियो लेके आ रहा हाँ। इस तो पहले चार पार्ट तुहाडे कंपलैक्स नंबर दे ते एक स्पैशल वीडियो तुहाडे लई बनाई सी की अलाइड एंगल्स दी ट्रिग्नोमेट्री दी जिहड़ी इस पोलर रीप्रजेंटेशन ऑफ कंपलैक्स नंबर दे विच कम आउणी है। जिन्होंने थोड़े विच हाले तक एक यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया ये वीडियो एक मिनट लिए इतनी रोक के पहला चैनल सबसक्राइब कर लो। इस तो बाद आप अगे वधदे हाँ। चैनल सबसक्राइब करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह मेरी लास्ट वीडियो नहीं है। मैं हर समय यह कोशिश करता रहूँगा कि थोड़े लिए चंगी तो चंगी वीडियो लेके आवां ते तुहाडे तक वह पहुँचती रहे। इहदे लई इह चैनल सबसक्राइब करना जरूरी है। तुहाडे इनबॉक्स दे विच वीडियो अपने आप आ जाया करेगी। पोलर रीप्रजेंटेशन तो पहले आपां एक ग्राफिकल रीप्रजेंटेशन पढ़ी सी कंपलैक्स नंबर की। आपां पढ़िया सी एक होरीजेंटल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है। रियल पार्ट आपां होरिजेंटल एक्सिस ते एक्सप्रेस कर देंगे कि कोई नंबर आ कंपलैक्स नंबर है इहदा होरिजेंटल दे रियल पार्ट आ गया, इमेजनरी पार्ट वाई एक्सिस ते आ गया। मान लो ये कंपलैक्स नंबर आर है ते एंगल ये थीटा बना रहा है। ओ पी इज इक्वल टू आर, ओ पी जिसनों आप जेड का मॉडुलस भी कहने हैं, ओ पी की लेंथ आप आर मान लें। एंगल ये थीटा बना रही है होरिजेंटल एक्सिस नाल, ठीक है। तो आप पढ़ते होंगे सीगे कि जे कंपलैक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई तो जोड़ा एक्स रियल पार्ट है वह आ चीज़ है, वाई जोड़ा इमेजनरी पार्ट है वह वर्टिकल एक्सिस से। इन्ना का आप पढ़िया होया तो आप ध्यान देखो एक्स की हो सकता है। एंगल थीटा आ परपेंडिकुलर है, आ बेस है, आ हाइपोटेन्यूज है। समझ आ गई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है एक्स, हाइपोटेन्यूज आर कि इक्वल होंगे कॉस थीटा दे। ये टेंथ के पढ़िया हुआ एक्स की आ गया आर कॉस थीटा, आधार बटा करन कॉस थीटा के बराबर होंगे है। सिमिलरली वाई अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, इट मीनस वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आप पढ़िया सीगा कि एक्स आर कॉस थीटा है, वाई आर साइन थीटा है, तो यदि पोलर फार्म की बन जाती है? पोलर फार्म बन जाती है एक्स होंगे एक्स प्लस आइटा वाई होंगी है, आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। आर कॉमन काढ़ लो कि रह गया कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो जदों भी अपन पोलर फार्म कढ़नी है एक तो अपन किहदी लोड़ है आर दी, एक किहदी लोड़ है थीटा दी। समझ आ गई कि नहीं आ गई? हुण आर किवें निकलूगा, थीटा किवें निकलूगा? आर जिन्हों मॉडुलस ऑफ जेड भी कह दें आप किवें निकलूगा, थीटा जिन्हों आप एम्पलीट्यूड कह दें आप किवें निकलूगा? आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़िया पर आप तो बगैर भी की कर सकते हैं। आ एक्स है, आ वाई है, एक्स है आर कॉस थीटा, वाई है आर साइन थीटा। दोहां नूं स्केयर करके जोड़ दो, एक्स का स्केयर कर लो, वाई का स्केयर कर लो, ये बन जू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। आर स्केयर कर लिया कॉमन की रह गया कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा हो गया वन, आर स्केयर आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर,
इतों आप आर की वैल्यू कढ़ सकते हैं, वह कि आजू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यानी आर तो आ गया की है, रियल पार्ट का स्केयर कर दो, इमेजनरी पार्ट का स्केयर कर दो, दोहां नूं जोड़ दो तो स्केयर रूट लै लो, ये आर आ जू। हुण थीटा किवें कढ़ना है, हुण कॉस थीटा की एक्स बटा आर है, एक गल तक बहुत क्लीयर है, साइन थीटा वाई बटा आर है, ये इतों पता अपन कॉस थीटा एक्स बटा आर है, साइन थीटा वाई बटा आर है, साइन थीटा नूं कॉस थीटा नाल डिवाइड कर दो, वाई बटा आर एक्स बटा आर, वाई बटा आर आ उत्ते आ के हो गया आर बटा एक्स, तो यह आ गया वाई बटा एक्स, साइन थीटा बटा कॉस थीटा की आ गया टेन थीटा, तो मतलब इतना आप साइन थीटा भी कढ़ सकते हैं, कॉस थीटा भी कढ़ सकते हैं, टेन थीटा भी कढ़ सकते हैं, ये तीन ही कढ़ने पैणगे आपां नूं। की देखण लई, देखण लई कि जिहड़ा थीटा है वह किहड़े क्वाड्रेंट दे विच लाई करदा है, जे तिन्ने पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, टेन थीटा भी पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट दे विच आ साइन थीटा आ कॉस थीटा टेन थीटा, जे साइन थीटा पॉजिटिव है कॉस ते टेन नैगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है कॉस ते टेन नैगेटिव ने, फिर दूजे क्वाड्रेंट च। हुण एड शूगर टू, इतने टैन पॉजिटिव है, साइन ते कॉस नैगेटिव ने, ते इतने साइन नैगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, टैन नैगेटिव है, इस तरीके अपन क्वाड्रेंट क्लीयर हो जूगा इतों के केड़ा नैगेटिव है केड़ा पॉजिटिव है, वो आधार पर आप एंगल कढ़ांगे, इस आधार पर अपनी पोलर फार्म निकलनी है। एग्जाम्पल दे नाल आप अगे चलांगे, एग्जाम्पल तो पहला आप पहला प्रिंसीपल आर्गूमेंट पढ़ लिए भी थीटा एक्चुअली लैना कितने है, वैसे तो आप पढ़ लिया कि इतने तिने पॉजिटिव, इतने साइन पॉजिटिव, इतने टैन पॉजिटिव, इतने कॉट पॉजिटिव, बट यानी इतों जीरो है, इतने पाई बटा दो है, इतने पाई है, इतने थ्री पाई बटा दो है, इतने दो पाई है, ये जीरो तो लैके दो पाई तक घूमता काम। पर प्रिंसीपल आर्गूमेंट की होंगे, प्रिंसीपल आर्गूमेंट वह होंगे जदों थीटा माइनस पाई तो लैके पाई तक लाई करे, माइनस पाई कि फिर हूँ इतने ना गल कन्फ्यूज ना हो, पाई ना जीरो चो घटा दी एंगल माइनस पाई हो जूगा, आ जीरो है आ माइनस पाई है, आ माइनस पाई बड़ा दो हो जू, इतने आके पुट्ठे चलेंगे ना जो एंगल नैगेटिव हो जाता है, इतने जीरो है, इतने एंगल पुट्ठा हो गया, माइनस पाई बड़ा दो, माइनस पाई, माइनस पाई तो लैके पाई तक आपां इहदा प्रिंसीपल आर्गूमेंट विचारांगे, किवें विचारांगे आपां क्वेश्चन देख के करते हैं, एग्जाम्पल तो थोड़ी बहुतियां गल्लां क्लीयर हो जाएगियां। पहली एग्जाम्पल आपां लैंदे हां, एक कंपलैक्स नंबर है अपन को, जैड इज इक्वल टू वन माइनस एट आ, यानी आ एक्स रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट माइनस वन है, उन्होंने पोलर फार्म च लिखना आप। पहला आप करांगे कि वन माइनस आइटा नूं कंपेयर कर देंगे आप, आर कॉस थीटा प्लस आइटा, साइन थीटा चाहे ए लिख लो चाहे ए लिख लो, आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, इनू कंपेयर करांगे, जदों आर कॉस थीटा जिहड़ा आ है ये किहदे कोल आ जू, वन दे कोल आ जूगा, आर साइन थीटा किहदे कोल आ जू, माइनस वन दे आ जू। पहला तो आप आर कढ़ लैंदे क्योंकि एक तो आर चाहिए एक थीटा चाहिए, आर की होगा रियल पार्ट जानी वन का स्केयर, इमेजनरी पार्ट जानी माइनस वन का स्केयर, दोहां का स्केयर रूट, इट इंप्लाइज दैट आर की आजू वन का स्केयर वन, माइनस वन का स्केयर वन, आर तो आ गया अंडर रूट दो, मॉडुलस जैड कह लो आर कह लो अंडर रूट दो आ गया, रौला पैना थीटा का, कॉस थीटा आर इधर आके डिवाइड हो गया वन पौन आर, साइन थीटा माइनस वन पौन आर,
थीटा क्या आ गया वन अपॉन आर, आर की वैल्यू की है अंडर रूट दो। साइन थीटा माइनस वन अपॉन आर, आर की वैल्यू अंडर रूट दो। टैन थीटा साइन थीटा नू कॉस थीटा डिवाइड कर दो, साइन थीटा है कॉस थीटा है, डिवाइड करेंगे कि आज माइनस का वन आज, क्यों सेम रकम ही है बस माइनस प्लस का फर्क है। ध्यान नाल देखो कॉस थीटा की है पॉजिटिव है, साइन थीटा की है नैगेटिव है, टैन थीटा की है नैगेटिव है। हुण किहड़े क्वाड्रेंट दे विच, किहड़े क्वाड्रेंट दे विच टैन भी नैगेटिव है, साइन भी नैगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, चौथे क्वाड्रेंट दे विच एड शूगर टू कॉफी, इत्थे साइन नैगेटिव कॉस पॉजिटिव टैन, आप चौथे क्वाड्रेंट पहुँचना है। पोलर फार्म की जो भी गल करांगे आपां, एक तो आप सिर्फ होरीजेंटल लाइन च देखांगे, किहड़ी लाइन देखांगे होरीजेंटल लाइन, जे चौथे क्वाड्रेंट च पहुँचना इत्थों नैगेटिव करांगे, जे दूजे क्वाड्रेंट च पहुँचना इत्थों की करांगे नैगेटिव करांगे, अगे पुट्ठे ही जा रहे हैं, जे तीजे च पहुँचना इत्थे की करांगे पॉजिटिव करांगे। समझ आ गई? चलो हुण आपां नूं चाहिदा है कॉस थीटा वन बाय अंडर टू कित्थे बनता है, पहलां तां ये देखो थीटा जे पाई बाय फोर होवे कॉस थीटा वन बाय रूट टू बन जाता है, बट पाई बाय फोर तो साइन थीटा भी वन बाय अंडर टू होंगे, आपां नूं की चाहिए नैगेटिव चाहिए, आपां नूं की चाहिए नैगेटिव चाहिए। हुण देखो साइन थीटा नैगेटिव कित्थे चौथे क्वाड्रेंट बनावांगे, आ जीरो है, जीरो चो जे आपां थीटा घटा दीए तो माइनस थीटा हो जूगा। आपां पढ़िया कॉस माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, पिछले चैप्टर च पढ़िया आपां कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा ही हुंदा क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट कॉस की हुंदा पॉजिटिव हुंदा, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा हुंदा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा हुंदा। इट मीनस जे थीटा पाई बाय फोर होवे तो कॉस माइनस पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर होगा वो एक बटा अंडर दो होगा, गल समझ आ गई, आही गल बन गई अपनी। साइन माइनस पाई बाय फोर, ये माइनस का साइन पाई बाय फोर होगा, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन पंताली क्यू एक बटा अंडर दो आ बन गया। टैन थीटा माइनस एक है, टैन माइनस पंताली, टैन माइनस पंताली कलो माइनस पाई बाय फोर, यहोज माइनस का टैन थीटा यानी माइनस का टैन पाई बाय फोर, टैन पंताली एक होंगे तो यह बन गया माइनस का एक। तो तिने कंडीशन कि सही हो गई माइनस पाई बाय फोर लिए, कि थीटा की आ गया माइनस का पाई बटा चार, ये प्लस का पाई बड़ा चार क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर पहले क्वाड्रेंट रह जाता, पहले क्वाड्रेंट रह जाता तो तिने पॉजिटिव हो जाते, आपको चाहिए तिने नैगेटिव, तिने नैगेटिव सॉरी दो नैगेटिव एक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव चाहिए, तो कॉस पॉजिटिव कि चौथे क्वाड्रेंट है, तो जीरो चु घटा के आप एंगल क्ढा तो दसा भी इस लाइन वाली खेडना वर्टिकल लाइन भुल जाओ, तो थीटा गया माइनस पाई बाय फोर। इट मीनस यदा की अर्थ है बेटा, यदा अर्थ है कि जी पोलर फार्म है वो सीगी आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यही सी बोलते फॉर्म, आर की वैल्यू आप कढ़ ली अंडर दो, कॉस थीटा वैल्यू कढ़ ली आप माइनस पाई बाय फोर प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाय फोर, ये की आ गया आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल मैं सारी एग्जाम्पल यह लूँ भी सारी कंफ्यूजन क्लीयर हो जाए, माइनस वन प्लस आइटा ले लिए, आपू कंपेयर कर देंगे कि आप आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, नाल आर कॉस थीटा माइनस वन बन गया, आर साइन थीटा प्लस का वन बन गया, दोहां नूं स्केयर करके जोड़ांगे तो आर की आजू माइनस वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर, माइनस वन का स्केयर वन प्लस वन का स्केयर वन, आर आ गया अंडर टू।
आर तो उही आ गया कॉस थीटा माइनस एक बटा आर, आर किन्ना अंडर दो साइन थीटा, एक बटा आर, आर किन्ना अंडर दो टैन थीटा, साइन थीटा नू कॉस थीटा डिवाइड कर देंगे, एक बटा अंडर दो माइनस एक बटा अंडर दो डिवाइड करेंगे माइनस वन आ गया। कॉस नैगेटिव है, टैन नैगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, किहड़ा क्वाड्रेंट आ गया, आ क्वाड्रेंट आ गया। हुण इत्थे किवें पहुंचांगे, हुण इस पोजिशन ते आपां किवें पहुंचांगे कि एंगल की होगा। ध्यान नाल देखो की देखना है कि आ जीरो है, आ पाई बटा दो है, आ पाई है, आपां इत्थे पहुंचना है। आपां लाइन किहड़ी हमेशा किहड़ी वरतांगे, होरिजेंटल लाइन पहुंचांगे। पहलां तां ये वैल्यूज बनदियां कित्थे ने, पहला पॉजिटिव वैल्यू देख लो कित्थे बनदी है, साइन थीटा एक बटा अंडर दो, नैगेटिव ना देखो पॉजिटिव देख लो कित्थे बनता है, साइन थीटा एक बटा अंडर दो बनता है जदों थीटा की होवे पाई बटा चार हो। पर जे थीटा पाई बटा चार लवेंगे पहले क्वाड्रेंट च आजू, आ तिने की होणगे पॉजिटिव होणगे। आपां नूं की चाहिए, साइन पॉजिटिव चाहिए, बाकी दोहे नैगेटिव चाहिए है। ਆਪਾਂ ਆਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਈ 'ਚੋਂ ਐਂਗਲ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਰਹਿ ਜੂ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਸ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਟਾ ਫੋਰ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਬਟਾ ਫੋਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਸ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ ਫੋਰ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੋਸ ਪਾਈ ਬਾਈ ਫੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਟੈਨ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ ਫੋਰ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਟੈਨ ਪਾਈ ਬਾਈ ਫੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਬਾਈ ਫੋਰ ਵਨ ਬਾਈ ਰੂਟ ਟੂ, ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਬਾਈ ਰੂਟ ਬਾਈ ਟੂ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵਨ, ਇਹੀ ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਟ ਮੀਨ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ ਫੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਰ ਐਲ ਸੀ ਐਮ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਰ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਥ੍ਰੀ ਪਾਈ ਬਾਈ ਫੋਰ। ਹੁਣ ਥੀਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰ, ਆਰ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਦੋ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਤਿੰਨ ਪਾਈ ਬਾਈ ਚਾਰ, ਆਈਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਤਿੰਨ ਪਾਈ ਬਟਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ, ਇਹਦੀ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਹੋਊ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਆਈਟਾ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵਨ, ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵਨ, ਆਰ ਕੀ ਆਜੂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵਨ ਵਨ ਅੰਡਰ ਟੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਅਪੋਨ ਆਰ, ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਬਾਏ ਰੂਟ ਟੂ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਬਾਏ ਰੂਟ ਟੂ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਬਾਏ ਰੂਟ ਟੂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਬਾਏ ਰੂਟ ਟੂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਤੇ, ਤੀਜੇ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਟੈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਪਾਈ ਬਾਈ ਫੋਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨ ਪਾਈ ਬਾਈ ਫੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂ, ਫਿਰ ਆਹ ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦੇ। ਖੇਡਣਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਤੋਂ ਪਾਈ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਤੋਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਈ ਬਟਾ ਦੋ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਈ ਹੈ,
नब्बे एक सौ अस्सी, आ जीरो है, आ माइनस पाई बटा दो है, आ माइनस पाई है। इतने का हिसाब चाहिए आप पाई चना जोड़ा माइनस पाई चा जोड़ ही सकते हैं, जो आप माइनस पाई थीटा जोड़ दिए फिर भी तीजे एंगल ही आ जाएंगे, फिर भी तीजे क्वाड्रेंट ही आ जाएंगे ना, तो थीटा की बन जूगा माइनस पाई प्लस पाई बटा फोर, तीजे क्वाड्रेंट पहुँच गए, चार एलसीएम आ गया, माइनस चार पाई प्लस पाई, माइनस चार पाई प्लस एक पाई माइनस तीन पाई बटा चार, थीटा आ गया इन्ना, हूँ थीटा भी आ गया आर भी आ गया, तो पोलर फार्म की आ जूगी आर कॉस थीटा अंडर रूट दो कॉस माइनस तीन पाई बटा चार प्लस आइटा साइन माइनस तीन पाई बटा चार। एक सौखी एग्जाम्पल होर दें, आर मान लो हैगा जैड अपन मान लो हैगा तीन प्लस आइटा, हुण इत्थों की देखोगे तुसीं, इत्थे ये देखोगे कि आ जैड है आर कॉस थीटा तीन आजू, आर साइन थीटा एक आजू, आर की आजू तीन दस स्केयर नौ, एक दस स्केयर एक अंडर रूट दस, साइन कॉस थीटा की आजूगा तीन बटा अंडर रूट, थोड़ी रकम जी गलत हो गई इतने अंडर रूट तीन लिख लो, अंडर रूट तीन प्लस आइटा आर कॉस थीटा अंडर रूट तीन आ गया, आर साइन थीटा वन हो गया, आर की आ गया अंडर तीन दस स्केयर तीन प्लस एक चार, चार दस स्केयर रूट की हो गया दो हो गया, आर की वैल्यू दो आ गई, कॉस थीटा की आ गया अंडर रूट तीन बटा दो, साइन थीटा की आ गया आर एक है आ दो है एक बटा दो, टैन थीटा की आ गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा एक बटा दो अंडर रूट तीन बटा दो उत्ते आके उल्ट गया एक बटा अंडर रूट तीन। हुण ध्यान नाल देखो साइन थीटा ही पॉजिटिव है, कॉस थीटा ही पॉजिटिव है, टैन थीटा ही पॉजिटिव है, जमी सौखा कम हो गया पहले क्वाड्रेंट च है, बस आप देखना है कि थीटा की की वैल्यू होगी कि टैन थीटा एक बटा अंडर रूट तीन बन जाए, कॉस थीटा अंडर रूट तीन बटा दो बन जाए, साइन थीटा एक बटा दो बन जाए। ठीक है, ये देखना आप तीह डिग्री ते देखोगे जदों साइन थीटा एक बटा दो हुंदा है, टैन थीटा अंडर तीन बटा दो, कॉस थीटा अंडर तीन बटा दो हुंदा है, टैन थीटा एक बटा अंडर तीन, टेबल तुहानू आउंदा है, तो थीटा आजू पाई बाय सिक्स, पोलर फार्म की आजू फिर आर आ गया दो कॉस पाई बाय सिक्स आइटा साइन पाई बाय सिक्स। इस तो बाद आप छोटा जिहा टॉपिक होर है लास्ट एक्सरसाइज है जी, कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िया ने, मान लो आ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन है दो घाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो घाती समीकरण दसवीं दे विच पढ़िया, उहदे विच तुसीं डिस्क्रिमीनेंट भी पढ़िया होगा, वह कहिंदा बी स्केयर घटा चार ए सी, जिहदा डिस्क्रिमीनेंट पॉजिटिव आ जाए जां इक्वल टू जीरो आ जाए वह तुसीं दसवीं च पढ़िया, जिहदा डिस्क्रिमीनेंट घटा लैस दैन जीरो आ जाए, जीरो तो छोटा आ जाए यानी नैगेटिव आ जाए, आपी कहने कि मुल वास्तविक नहीं है, रूट्स आर नॉट रीयल, रूट्स आर नॉट रीयल, मुल वास्तविक नहीं है, जे मुल वास्तविक नहीं तो फिर मुल किहो जे होणगे, रूट्स किहो जे होणगे, रूट्स आर कंपलैक्स, रूट्स की होणगे कंपलैक्स होणगे। इहो जे क्वेश्चनिंग करने आप इत्थों चल पो, अपने को एक्स स्केयर प्लस तीन एक्स प्लस नौ इज इक्वल टू जीरो, इन कंपेयर कर लो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी नाल, ए दी वैल्यू एक आ गई, बी दी वैल्यू तीन आ गई, सी दी वैल्यू की आ गई नौ आ गई। ठीक है, डी की होंगे बी दी दो घटा चार ए सी, तीन दी दो नौ घटा चार गुणा एक गुणा नौ, नौ घटा छत्ती घटा दस सताई, एक ही है जीरो तो छोटा है, सो रूट्स की ने, रूट्स आर कंपलैक्स, रूट्स किवें निकलेंगे, रूट की है कि शेप च ने, एक्स की शेप च ने, एक्स की होंगे माइनस का बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन टू ए, यही होंगे पढ़िया है तुसी, जे नहीं याद तो याद कर लो, घटा का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, यह फार्मूला है, माइनस का बी
हूँ बी किन्ना है, बी तो है तीन माइनस का तीन प्लस माइनस माइनस का डी, डी किन्ना है माइनस का सताई है टू ए, ए किन्ना एक है दो गुना एक दो ही हो जूगा माइनस तीन प्लस माइनस सताई का अंडूट दे देंगे तीन ती है नौ ती है सताई यह अंडूट दे देंगे दो तीन जो एक ती है बाद तीन अंडूट तीन पर माइनस भी पै और की बना गया पाइटा बटा दो आजूद आंसर आ जूगा। सिंपल जी गल सी कुछ औखा तो नहीं दसवीं वाला काम ही है बस अंडूट के जो पॉजिटिव नंबर से इतने नैगेटिव आ गया बस इन्ना की फर्क है। एक एग्जाम्पल होर लवेंगे फिर आप वीडियो खत्म कर। मान लो अपने को एक घटार एक्स केयर प्लस एक्स घटारा दो इज इक्वल टू जीरो कंपेयर कर लो इन ए एक्स केयर प्लस बी एक्स प्लस सी नाल ए आ गया घटा दो एक बी आ गया एक सी आ गया घटा दो ए घटा दो एक बी एक सी घटा दो डी आ गया बी दी दो घटा चार ए सी बी दी दो यानी एक दो घटा चार गुणा घटा दो एक गुणा घटा दो एक स्केयर एक घटा घटा एक गुणा घटा दो प्लस का दो हो गया प्लस के दो चार गुणा करा घटा गुणा घटा प्लस हो गया ना माइनस एट यह आ गया माइनस का सैवन नैगेटिव आ गया तो रूट की हो गए कंपलैक्स हो गए रूट किहोजे हो गए एक्स होगा माइनस का बी होगा प्लस माइनस होगा अंडरूट के डी होगा टू ए होगा माइनस का बी बी किन्ना वन है माइनस का वन हो गया अंडरूट के डी डी किन्ना माइनस का सैवन है टू ए ए किन्ना घटा दा एक घटा एक प्लस माइनस अंडरूट सत्त माइनस का की बन गया आइटा बन गया घटा दा की आ गया दो आ गया घटा दा जो दो आ गया तुसी की कर सकते हो आ साइन चेंज हो जूगा क्योंकि की करांगे उत्तों घटा सांझी कर लाँगे आ प्लस वाला वन बन जू आ प्लस माइनस लिख लो चाहे माइनस प्लस लिख लो अंडरूट सत्त प्लस माइनस या माइनस प्लस लिख लो घटा दा दो आ घटा ना घटा कट्टी गई की आ गया एक प्लस माइनस अंडरूट सत्त आइटा प्लस माइनस माइनस प्लस एक ही गल है बाय दो की आ गया आंसर आ गया। तो यहो जे क्वेश्चन ने एक छोटी जी एग्जाम्पल होर जाता जाता लै लेना अंडरूट तीन एक्स केयर अंडरूट दो एक्स तीन अंडरूट तीन इज इक्वल टू जीरो काली दा कढूंगा डी बी स्केयर बी किन्ना घटा दा अंडरूट दो है दस स्केयर घटा चार गुणा अंडरूट तीन गुणा तीन अंडरूट तीन चार ए सी अंडरूट दो दा स्केयर दो घटा दा स्केयर प्लस आ गया घटा चार अंडरूट तीन की गुणा अंडरूट तीन की तीन तीन ती है नौ नौ चौका छत्ती देखो चार अंडरूट तीन गुणा अंडरूट तीन आही है ना अंडरूट तीन की अंडरूट तीन करा तीन आ जूगा आ तीन एक होर पै नौ चौका छत्ती दो चो छत्ती कटे घटा दे चौंती डी नैगेटिव आ गया रूट्स की होंगे कंपलैक्स हो गए रूट कंपलैक्स होजे हो गए घटा दा बी बी किन्ना घटा दा अंडरूट दो है घटा दा घटा अंडरूट दो यानी प्लस का अंडरूट दो हो जूगा अंडरूट डी डी किन्ना घटा दा चौंती है अपॉन टू ए ए किन्ना अंडरूट तीन है घटा घटा प्लस अंडरूट दो प्लस माइनस अंडर चौंती आइटा दो अंडरूट तीन ये की आजू थोड़ा आंसर आजूगा। यहो जी क्वेश्चन ने जोड़े वह थोड़ी लास्ट एक्सरसाइज के अज अपना कंपलैक्स नंबर खत्म होंगे जल्दी आप टेस्ट लवेंगे। धन्यवाद।